सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन अपने लेक्चर में बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए, अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम की सीरीज चल रही है, उसमें लेक्चर नंबर सेकंड अपना। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने बात कर लिया था रेस्पिरेशन क्या होता है एंड रेस्पिरेशन के स्टेप्स क्या हैं। अब देखिए, अपन आज बात करेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। ह्यूमन क्योंकि अपना मकसद क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ना रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। तो देखिए, इससे पहले आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। तो टॉपिक पे आ जाते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट्स में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है, ये अपन बोल सकते हैं। कौन सा पार्ट? एक तो आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक, एक तो कौन सा हो जाता है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक, और सेकंड पार्ट कौन सा हो जाता है आपका लंग्स। तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक की कि रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक वो पाथवे होता है जो स्टार्ट होता है कहां आपका एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से। कहां होता है? मतलब अपना जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है ना, यहां से स्टार्ट होता है और खत्म कहां पे होता है? जाके आपके लंग्स के अंदर जाके जो एल्वोलाई है वहां पे जाके आपका ये पूरा का पूरा ट्रैक खत्म होता है। ये जो ट्रैक रहता है ना, इसके अंदर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं हर एग्जाम के अंदर। अपन ले लीजिए जैसे नीट वगैरह का एग्जाम है, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। जैसे कि देखिए, जो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक, अब इस रेस्पिरेटरी ट्रैक की कोई भी एक सीक्वेंस आपको बीच में से दे दी जाएगी। उठा के मान लीजिए आपको दे दिया ब्रोंकियल जो ट्री है, इसको आपको बताना है कि ब्रोंकियल ट्री की एकदम सिक्वेंस कौन सी है, तो ब्रोंकियल ट्री को आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी ट्री है, मतलब एक सीधी लाइन में नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि काफी बड़ा है, इसलिए ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से आपका स्टार्ट होता हुआ इस तरह से चल रहा है। ठीक है, इसके जो नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, यहां आप सिर्फ समझ लीजिए, नोट्स आप बाद में लिख लीजिएगा। ओके, तो बात कर लेते हैं अपन रेस्पिरेटरी ट्रैक की। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक आपका स्टार्ट होता है अपने एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से। कहां से स्टार्ट हो रहा है? अपने बाहरी जो नाक है यहां से स्टार्ट हो रहा है। जस्ट ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के बाद में क्या आता है? निजल वेस्टिब्यूल या पैसेज आ जाता है। ये निजल वेस्टिब्यूल कौन सा होता है? जस्ट इसके आगे वाला पार्ट, जहां आप लोग क्या करते हैं अंगुली वगैरह करते हैं ना, वो वाला पार्ट कौन सा आ जाता है आपका? नेजल वेस्टिब्यूल आ जाता है। ओके, इससे अच्छा तो एक्सप्लेन और क्या हो सकता है कि सही है या नहीं है कि नेजल वेस्टिब्यूल कौन सा हो गया, जिस पार्ट पे अपन अंगुली करते हैं वो पार्ट कौन सा आ जाता है? नेजल वेस्टिब्यूल हो जाता है। नेजल वेस्टिब्यूल के जस्ट आगे क्या आ जाता है? आपका नेजल चैम्बर आ जाता है। इन चीज को अपन डायग्रामेटिकली देखेंगे, आगे आराम से आप सबको पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट क्या है, डायग्राम के थ्रू अपन अच्छे से देखेंगे। फिर आ जाता है नेजल चैम्बर या नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के जस्ट बाद में आ जाता है आपका इंटरनल नोस्ट्रिल्स। अपन ने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था ना, वहां भी अपन ने देखा था कि इंटरनल नोस्ट्रिल्स। फिर इसके बाद में इंटरनल नोस्ट्रिल्स के बाद में आ जाता है नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंजो फेरिंग्स। ये तीनों के तीनों क्या है? फेरिंग्स के ही पार्ट है। ये तीनों के तीनों क्या है? फेरिंग्स के ही पार्ट है। अब आप सबको पता है कि फेरिंग्स होता है ना, ये फूड का और एयर का दोनों का क्या होता है? कॉमन पाथवे होता है। ये चीज अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ी थी और अपन आगे भी ये चीज पढ़ेंगे कि किस तरह से फेरिंग्स होती है। क्योंकि देखिए, अपन जो भोजन खाएंगे ना, वो भी लास्ट में जाके कहां आएगा? फेरिंग्स में आएगा। और फेरिंग्स से होता हुआ कहां जाएगा? जो आपका गैलेट है, गैलेट से होता हुआ इसोफेगस के अंदर जाएगा। ठीक ऐसे ही जो आपकी ऑक्सीजन वगैरह अपन जो भी सांस ले रहे हैं, वो सांस भी कहां होगी? फेरिंग से होती हुए कहां से? जो ग्लोटिस है, ग्लोटिस से होते हुए आगे कहां जाएगी? आपकी लेरिंग के पास जाएगी। तो फेरिंग्स फेरिंग्स के जस्ट देखिए, कई बुक्स में आपको क्या है कि जो इंटरनल नोस्ट्रिल्स के बाद में डायरेक्ट फेरिंग्स दे देगा और फेरिंग्स के बाद में लेरिंग्स आ जाएगी। तो फेरिंग्स के तीन पार्ट्स होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगो फेरिंग्स। इन तीनों को अपन ने अलग अलग लिख दिया ताकि कई बुक्स में अलग अलग भी लिखा है तो अपन सबको कॉमन लेके चलते हैं। फिर बात आ जाता है फेरिंग्स के बाद में कौन सा पार्ट आ जाता है? लेरिंग्स वाला पार्ट आ जाता है। लेरिंग्स के जस्ट आगे वाला पार्ट कौन सा आ जाता है? ये अपनी लेरिंग्स है जहां से अपन बोल रहे हैं, इसके जस्ट आगे वाला पार्ट कौन सा आ गया अपना? ये वाला ट्रेकिया वाला पार्ट आ गया। ट्रेकिया के बाद में आ जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, उसके बाद में आ जाता है टर्शियरी तक लास्ट होते हैं ब्रोंकाई, उसके बाद में आ जाता है इनिशियल ब्रोंकियोल, और इनिशियल ब्रोंकियोल से आगे आ जाता है टर्मिनल ब्रोंकियोल। अब देखिए, जो टर्मिनल ब्रोंकियोल है, मतलब एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके जो टर्मिनल ब्रोंकियोल तक का जो पार्ट होता है, यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है, इस पूरे के पूरे पार्ट को क्या बोला जाता है? कंडक्शन जोन बोला जाता है। मतलब रेस्पिरेटरी जो ट्रेक है ना, इसको दो भागों के अंदर क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। एक तो आ जाता है आपका कंडक्शन जोन और एक आ जाता है आपका ऑक्सीजन जोन। नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सीजन जोन का, तो यहां पे ही क्या होगा? मेनली जो आपकी गैसेस वगैरह हैं उनका एक्सचेंज कहां होता है? ऑक्सीजन जोन के अंदर होता है। तो आगे बात करते हैं, टर्मिनल ब्रोंकियोल से आगे क्या आ जाता है आपका? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से आ जाता है आपका एल्वोलर डक्ट।
एल्वोलर डक से आ जाता है एरिटा, एरिटा से आ जाता है एल्वोलर सेक, और एल्वोलर सेक से आ जाता है आपका एल्वोलाई, और एल्वोलाई को ही क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है एल्वोलाई को, फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इसको बोला जाता है। रेस्पिरेशन की जो फंक्शनल एंड जो कौन सी होती है स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो किसको बोला जाता है, आपकी एल्वोलाई को बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है कि लंग्स की जो फंक्शनल एंड जो रेस्पिरेशन बोल दें या लंग्स बोल दें, कि लंग्स की जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है वो कौन होती है, आपकी एल्वोलाई होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन आ जाता है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, मतलब स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आपके लंग्स वो क्या होते हैं, एल्वोलाई होती है। अब देखिए अपन बात कर लेते हैं कि आपसे क्वेश्चन के अंदर ये पूछ लिया जाएगा कि जो ब्रोंकियल ट्री है वो कौन सा होता है, ब्रोंकियल ट्री स्टार्ट कहां से होता है। तो ब्रोंकियल ट्री आपका प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियोल एंड टर्मिनल ब्रोंकियोल, ये आपका मिलके क्या बनाते हैं, ब्रोंकियल ट्री बना देते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ब्रोंकियल ट्री का जो सीक्वेंस है वो आप बताइए, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियोल एंड टर्मिनल ब्रोंकियोल, ये क्या है आपका, ब्रोंकियल ट्री आ जाता है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज अपन देख लेते हैं कि देखिए जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया से लेके जो इनिशियल ब्रोंकियोल तक का जो पार्ट रहता है ना, याद रखना जो ट्रेकिया से लेके जो इनिशियल ब्रोंकियोल तक का जो पार्ट रहता है, इस पार्ट के अंदर आपको क्या है, सीलिया देखने को मिलेंगे, मतलब इस पार्ट के अंदर जो सीलिया होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, साथ में जो म्यूकस ग्लैंड रहती है ना वो म्यूकस ग्लैंड भी इसमें क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है, साथ में इनकम्प्लीट जो सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज की जो रिंग होती है वो भी प्रेजेंट रहती है। आपने जब अपन आगे बात करेंगे, अभी मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूं, अपन क्या देखेंगे, जब डायफ्राम देखेंगे ये क्या थी अपनी ट्रेकिया थी, और ये आगे जाके क्या होती है, दो भागों के अंदर डिवाइड हो जाती है, और आगे यहां जाके क्या आ जाता है आपका, लंग्स आ जाता है, क्या आ जाता है आपका, यहाँ लंग्स आ जाता है, ये अपना क्या आ गया, दोनों लंग्स आ गए। तो देखिए यहां पे क्या होती है, ये जो पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर होती है जो ट्रेकिया से लेके जो अपना इनिशियल ब्रोंकियल जो आगे तक जाता है, यहां पे क्या होता है, इस तरह की आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, आपने देखा होगा इस तरह की जो स्ट्रक्चर है वो आपको देखने को मिलेगी, ये चीज आपको अंदर भी देखने को मिलेंगे, जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जो ब्रोंकियोल है, ये अपन जब आगे अपन लंग्स का जो स्ट्रक्चर देखेंगे ना उसके अंदर अपन बात करेंगे, तो ये चीज क्या होते हैं, ये किसके बने होते हैं, आपके हाइलिन कार्टिल की क्या होती है, सी शेप होती है, मतलब ये इनकम्प्लीट होती है। मान लीजिए ये पूरा का पूरा, ये आप देख लीजिए, ये आपकी क्या है, ट्रेकिया है, ये क्या आपकी ट्रेकिया है, अब यहां पे क्या होगा, ये सी शेप का मतलब है इस तरह से लगी रहेगी, तो यहां से तो क्या है कवर है, और यहां से क्या है खुली हुई, मतलब इनकम्प्लीट रहेगी, तो ये किसकी बनी होगी, इनकम्प्लीट जो कार्टिलेज हाइलिन है इसकी क्या होती है, रिंग होती है, मतलब ट्रेकिया जो कौन कौन सा आ गया, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकियाई, सेकेंडरी ब्रोंकियाई, टर्शियरी ब्रोंकियाई एंड जो इनिशियल ब्रोंकियोल है, यहां पे इनकम्प्लीट कार्टिलेज की सी शेप लगी रहती है, अल्फाबेट सी की तरह होता है एबीसीडी में, और इस तरह से प्रेजेंट रहती है, पीछे से खुली रहती है, आगे से ऐसे पेक रहती है, तो ये भी क्या होती है इनके अंदर प्रेजेंट रहती है। लेकिन अब देखिए यहां मैंने स्टार लगा रखे, यहां से लेके आगे तक जो एल्वोलाई है यहां तक क्या होता है, न तो आपको सीलिया देखने को मिलेगी, मतलब इनमें सीलिया भी एब्सेंट होता है, म्यूकस ग्लैंड भी इसमें एब्सेंट होती है, और इनकम्प्लीट जो सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज के रिंग है ये भी एब्सेंट होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ पूछ के ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आपको एक एग्जांपल दे देगा, यहां में से कोई भी एक मान लीजिए, यहां से कोई भी मान लीजिए आपको दे दिया कि एल्वोलर डक्ट है, इसका एग्जाम्पल दे दिया कि बताइए इसके अंदर जो सी शेप्ड जो हाइलिन कार्टिलेज की रिंग होगी वो प्रेजेंट होगी या एब्सेंट होगी, तो सीधी सी बात है क्या होगी, एब्सेंट होगी। तो प्रेजेंट कहां से होगी आपकी, ट्रेकिया से लेके जो इनिशियल ब्रोंकियोल है यहां तक क्या होगी आपकी, जो सीलिया भी प्रेजेंट होंगे इनमें, म्यूकस ग्लैंड भी प्रेजेंट होगी, और सी शेप जो हाइलिन कार्टिलेज की रिंग है इनकम्प्लीट ये भी क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी, बाकी टर्मिनल ब्रोंकियोल से लेके एवोलाई तक क्या होती है ये सब के सब एब्सेंट रहती है। दैट्स क्लियर, ओके। अब देखिए जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल एंड जो एल्वोलर ब्रोंकियोल, एट्रिया एंड जो एल्वोलर सेक है एंड जो एल्वोलाई है, इसको क्या बोला जाता है, रेस्पिरेटरी ट्री बोला जाता है। तो देखिए ये तो क्या है, ब्रोंकियल ट्री है, और ये क्या है आपका, रेस्पिरेटरी ट्री है। तो इन दोनों की सीक्वेंस भी पूछ ली जाएगी, ब्रोंकियल ट्री की जैसे आपको बताई थी, ठीक ऐसे ही रेस्पिरेटरी ट्री की भी आपको क्या पूछ ली जाएगी, सीक्वेंस पूछ ली जाएगी। तो कहां से स्टार्ट होता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से स्टार्ट होता है, एल्वोलाई तक क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्री इसको बोला जाता है। दैट्स क्लियर, ओके। इन सबके अंदर क्या रहता है, आपके सीलिया वगैरह, जो म्यूकस ग्लैंड है, जो हाइलिन कार्टिलेज के सी शेप, ये सब कुछ क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, ओनली फॉर यहां तक ही क्या रहते हैं, ये प्रेजेंट रहते हैं।
अब देखिए ये जो आप पूरा का पूरा जो एरिया देख रहे हैं, इस पूरे के पूरे एरिया को मतलब एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके जो आपकी टर्मिनल ब्रोंकियोल है यहां तक का जो पार्ट है, इस पार्ट को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कंडक्शन जोन, जो अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इसको दो भागों के अंदर बांटा गया, एक तो डिवाइड किया गया, एक तो कंडक्शन जोन, एक एक्सक्शन जोन। तो बात करते हैं कंडक्शन जोन का यहां पे क्या काम रहता है कि आखिरकार कंडक्शन जोन का काम क्या है, क्या करता है कंडक्शन जोन, इसके फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले तो क्या करता है कि हेल्प करता है एयर को ट्रांसपोर्ट करने का, मतलब एक्सचेंज जोन तक ले जाने का। मतलब क्या करता है, एयर होती है ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से होती 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 कहां जाती है, आपकी जो एक्सचेंज जोन है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल तक ले जाने का काम किसका रहता है, आपका कंडक्शन जोन का रहता है। तो देखिए पहला काम तो हो गया, ये क्या करता है, एयर होती है उसको कंडक्शन जोन तक ले जाने, सो कंडक्शन जोन से एक्सचेंज जोन तक ले जाने का काम करता है। ओके, सेकंड आ जाता है फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, एयर को क्या करता है, फिल्टर करता है। अब देखिए आपको पता है कि जो नेजल वेस्टिब्यूल होता है ना, यहाँ क्या होती है, म्यूकस वगैरह भी प्रेजेंट रहता है, क्योंकि म्यूकस वगैरह भी प्रेजेंट रहती है, और साथ में यहाँ पे क्या होता है, थोड़े बहुत क्या रहते हैं, हेयर वगैरह भी क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, जो क्या क्या रहते हैं, एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं, क्योंकि ये किस में आ गया, आपका कंडक्शन जोन में आ गया। इसके अलावा ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, मतलब एयर का जो ह्यूमिडिफिकेशन है वो भी कहां किया जाता है, आपके कंडक्शन जोन में ही किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो ये इक्वल करता है जो एक्सटर्नल एयर का जो टेम्परेचर होता है उसको बॉडी के टेम्परेचर पर क्या करता है, इक्वल करने का काम भी किसका किया जाता है, कंडक्शन जोन का किया जाता है। अब देखिए कंडक्शन जोन के अंदर क्या होता है कि जब अपन देखिए ये जो रहता है ना कि एयर को टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर इक्वल करने का काम, ये एक्चुअल में काम किसका रहता है, कंडक्शन जोन तो ये पूरा का पूरा हो गया, लेकिन कंडक्शन जोन में भी क्या होता है, जो नेजल वेस्टिब्यूल होता है एंड जो नेजल चैम्बर होता है, इन बीच के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कॉनके प्रेजेंट रहते हैं। उन कॉनके का काम क्या रहता है, अब देखिए आप एक चीज सपोज कीजिए कि अभी सर्दी विंटर वगैरह आएगी, सर्दी वगैरह आती है, ज्यादा गर्मी होती है, तो ज्यादा सर्दी जब रहती है तो आपने कभी देखा होगा कि अपने हाथ वगैरह होते हैं ये क्या हो जाते हैं, इनमें क्या आ जाती है, मतलब क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। अब ये ड्राई हो गए तो इनके लिए अपन क्या करते हैं, यहां तो अपन क्या कर लेते हैं, मॉइस्चराइज क्या कर लेते हैं, अप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, सही हो जाता है। लेकिन सोचिए यदि अपने जो एल्वोलाई है इसमें ये यदि मॉइस्चराइज हो गई, तो ऐसा थोड़ी है कि अपन मॉइस्चराइज लेंगे, मुंह में हाथ डालेंगे, एल्वोलाई में लगा लेंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसके लिए काम कौन करता है, इसमें ही मान लीजिए कि उस मॉइस्चराइज को आगे लगाने का काम कौन करता है, वो काम रहता है आपके कंडक्शन जोन का। और कंडक्शन जोन में भी जो कॉनकेव होते हैं, अपन ये चीज आगे एकदम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे करते हैं क्या होता है, तो जो कॉनकेव स्ट्रक्चर होती है ना वो क्या कर रहती है, एक मतलब बहुत बड़ा एक पाथवे बना देती है, और उसके अंदर स्ट्रक्चर कैसी रहती है, ऐसे ऐसे उसमें क्या रहते हैं, उबड़ खाबड़ जगह रहती है, ये क्या रहेगी आपकी कॉनकेव स्ट्रक्चर रहेगी। अब इनके अंदर से क्या होगी, एयर जाएगी। अब यहां पे ही क्या होगा, इस एयर को मान लीजिए यदि ज्यादा ठंडी हवा है तो उसको बॉडी के टेम्परेचर करना है, तो यहां तक मान लीजिए एयर को गर्म किया जाएगा, या आप ऐसी जगह जहां पे बहुत ही गर्म हवा आ रही है अब उसको भी अंदर जाना है, तो वो भी क्या होगी, अंदर आके थोड़ी सी ठंडी होगी, तो ये काम किसका रहता है, कॉनकेव का आपका काम रहता है। ये अपन कई बुक्स में आपको ये भी देखने को मिल जाएगा, ये काम रहता है नेजल चैम्बर या नेजल वेस्टिब्यूल का। तो ये दोनों के बीच के अंदर प्रेजेंट रहता है कौन, एयर जो आपका कौन के है ये। तो अब आपको पता चल गया होगा कि क्या करते हैं, एयर को क्या करते हैं, जो बॉडी का टेम्परेचर है उस तक इक्वल करने का काम किसका होता है, कंडक्शन जोन, और उसमें भी कॉनकेव का होता है। दैट्स क्लियर। ओके, आगे अपन बात कर लेते हैं, अब जो आपका एक्सचेंज जोन है या जो रेस्पिरेटरी ट्री है इसकी बात करें, रेस्पिरेटरी ट्री या जो एक्सचेंज जोन है, या इसको रेस्पिरेटरी जोन भी बोला जाता है, ये जो एक्सचेंज जोन है ना इसको रेस्पिरेटरी जोन भी बोला जाता है, याद रखना। इसके फंक्शन की बात करें, एक्सचेंज जोन का क्या फंक्शन रहता है, तो इसमें देखिए नाम से ही पता चल रहा है एक्सचेंज जोन, ये क्या करेगा जो आपकी गैसेज होगी उन गैसेज को क्या करेगा, लंग्स एंड ब्लड में क्या करेगा, एक्सचेंज करने का काम करता है। मतलब अब देखिए जो एल्वोलाई होती है, अब एल्वोलाई क्या जस्ट आगे ही क्या होती है, यहां पे क्या रहती है आपकी वेंस वगैरह जाएगी, तो यहां से ही क्या होगा, यहां पे ही क्या होगा, O2 अंदर आएगी, CO2 बाहर जाएगी। मतलब गैसेस को एक्सचेंज करने का काम भी किस जोन के अंदर होता है, आपके एक्सचेंज जोन के अंदर होता है। तो हो गया ना कि इसका फंक्शन क्या हो गया, ये क्या करता है, गैस को एक्सचेंज करता है लंग्स एंड ब्लड के बीच में, कौन, एक्सचेंज जोन होता है। तो ये था अपना सेकंड सीरीज जो जिसमें अपन ने बात कर लिया कि रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होती है। आगे लंग्स वगैरह के स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप टेलीग्राम से उन नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। यहां सिर्फ समझने के अकॉर्डिंग था, अपनी पूरी की पूरी रेस्पिरेशन, जैसे अपन डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी सीरीज पढ़ के आ रहे हैं ना, एकदम डाइजेशन से लेके एकदम लास्ट पार्ट तक, ठीक वैसे ही अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी एक कंप्लीट सीरीज चलेगी। इसमें रेस्पिरेटर्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उन सबको अपन एकदम डिटेल के अंदर देख लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, यहां सिर्फ आप समझ लीजिएगा, नोट्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। थैंक यू।